Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top five stories of the day. Let's get started with today's headline. सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची मुंबई। बीजेपी के प्रवक्ता ने बिना नाम लेते हुए एक युवा पॉलिटिशियन की भूमिका पर उठाई उंगली। बिहार विधानसभा चुनाव के दिशा निर्देश जल्द हो सकते हैं जारी। नवंबर के अंत तक खत्म हो सकते हैं चुनाव। 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना। मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, एनआरए की मेरिट से ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी। हाल ही में स्थानीय युवकों को ही शासकीय नौकरी देने का किया था फैसला। हाल में ही हुए आतंकी मुठभेड़ का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर जारी। शरीर पर कैमरा लगाकर आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर किया था हमला। और तेलंगाना के श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र में लगी आग, खबर मिलते ही बचाव टीमें मौके पर पहुंची। 6 लोगों के शव बरामद हुए और 3 लोगों की तलाश जारी। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड एक्टर जिनकी मौत हुई थी 14 जून को। उनके मौत के केस के सिलसिले में आपको बता दें कि सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई है। मुंबई में आज सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस का पहला दिन था, और जिस तरीके की जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें ये पता चला है कि बांद्रा के जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनके ऑफिस में आज सीबीआई की टीम 1 घंटे तक थी। वहाँ से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो कुक थे, यानी कि जिनके घर में वो खाना बनाते थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर में नीरज नाम का एक लड़का जो खाना बनाता था, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत ने मौत के पहले नीरज ने उनको 1 ग्लास जूस दिया था, इसलिए उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन सीबीआई के ऑफिसर्स जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो प्रेस को ये बातें बताई हैं कि उनकी जो पूरी जांच की दिशा है वो दिशा क्या होगी, अब आपको एक एक करके बताते हैं। पहला ये कि दे हैव टू रूल आउट वेदर इट इज़ अ सुइसाइड और अ मर्डर। तो इसका कारण क्या है कि अगर सुइसाइड है तो उसका रीज़न क्या है, मर्डर है तो उसका क्या रीज़न है। दूसरा कि रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि पैसे की जो लेन देन की बात हो रही है, और जो सुशांत राजपूत के पिता के सिंह ने जिस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं, उनकी छानबीन भी ये सीबीआई की टीम कर रही है। अब आपको बता दें कि सीबीआई की 3 टीमें हैं और हर टीम में 3 सदस्य हैं, यानी कि 9 मेंबर की जो सीबीआई टीम है, इन सारी बातों पर ये जानकारी लेगी, इस पर जाँच करेगी। चौथा पॉइंट था कि सुशांत राजपूत को बताया जा रहा है कि उनको मेंटल डिप्रेशन था, वो बीमार थे। तो ये जो बीमारी का एंगल है, और के सिंह ने जो बार बार सुशांत राजपूत के पिता थे उन्होंने कहा था उनको डॉक्टर्स पर भी शक है, तो उस एंगल की भी जांच की जा रही है। और पॉइंट नंबर 5 की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा और उसको मैच किया जाएगा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे। और छठा जो पॉइंट है जिस पर कि सीबीआई जांच कर रही है, वो है कॉल रिकॉर्ड्स, चाहे वो रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड डेटा हो या सुशांत राजपूत का, उसे भी देखा जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों से बात की है सुशांत राजपूत का घर छोड़ने के बाद, उस पर भी अब जांच शुरू होगी। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की लाइन थी कि किस लाइन पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब मुंबई में देखी जा रही है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी एक अजीब सी राजनीति नजर आ रही है। अभी तक आपने देखा था इट वॉज अ पॉलिटिक्स बिटवीन बिहार एंड मुंबई, अब क्योंकि पूरा जो केस है वो मुंबई पर चला गया है, और बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके के रिएक्शन आए थे शिवसेना गवर्नमेंट के जब सीबीआई की जांच की हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो उसके बाद से एक अजीब सी राजनीति शुरू हो गई है खुद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में। अब एक नए तथ्य और कुछ नए फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जो दिशा सालियान थी, जो सुशांत राजपूत की जो मैनेजर थी, उनका कनेक्शन शायद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से था। तो क्योंकि अगर आप आदित्य ठाकरे का बैकग्राउंड देखें तो वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित थे इस बात के लिए कि उनके काफ़ी कनेक्शंस थे बॉलीवुड से। तो अब आदित्य ठाकरे का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे जांच से जोड़ा जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इसकी पॉलिटिक्स क्यों नज़र आ रही है। अब आपको बता दें कि जब सीबीआई की हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो उसके बाद जो शिवसेना का जो
रिएक्शन था वो बहुत दबा हुआ था, लेकिन जो एनसीपी और कांग्रेस का रिएक्शन है वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, उल्टा ये विपक्षी पार्टीज के साथ ज़्यादा नजर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ऐसा लगता है नहीं है बिटवीन एनसीपी कांग्रेस एंड शिवसेना। कांग्रेस एंड एनसीपी सीम टू बी ऑन वन पाथ अलॉन्ग विद द ऑपोजिशन एंड शिवसेना इज एन आइसोलेटेड पार्टी इट सीम्स। अब अगर जांच में अगर आदित्य ठाकरे का नाम कहीं से जुड़ता है और अगर उन्हें समन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है इस पूरे मामले में, भले ही उनका नाम हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन सिर्फ उनका समन करना ही शिवसेना के लिए एक बड़ी किरकिरी साबित होगी और शिवसेना विल रियली बी एम्बैरेस्ड इफ आदित्य ठाकरे इज कॉल्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ अगर पूछताछ की ही अगर मैं आपको बात कहूँ तो तीनों पार्टी में अभी फिलहाल कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। एक नई तरीके की राजनीति, जैसा मैं आपने आपको कहा कि बिटवीन शिवसेना कांग्रेस एंड एनसीपी, वो नज़र आ रही है। तो अब जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गवर्नमेंट है उसमें अब जो सारी पार्टीज़ हैं तीनों पार्टीज़, वो किस तरीके का स्टैंड लेती हैं, लेकिन फिलहाल इसमें शिवसेना के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट होगा अगर आदित्य ठाकरे का कोई ना कोई कनेक्शन निकलता है और उन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है, तो वो एक ऑप्टिक्स के लिए काफ़ी बड़ा एम्बैरेसमेंट इसमें होगा। तो कई तरीके के नए नए तथ्य सामने आएंगे, महेश भट्ट का भी एंगल उसमें नज़र आ रहा है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एंगल है, तो सीबीआई अब इसको किस तरीके से, आपको छः पॉइंट्स मैंने बताए कि जिसके आधार पर सीबीआई इसकी जाँच करेगी, तब आगे ये केस टर्न क्या लेता है इस पर मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारी दूसरी खबर बिहार के चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया है वो 29 नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए और पिछले महीने आपने देखा था कि विपक्षी पार्टीज़ ने एक मेमोरेंडम दिया था इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि वर्चुअल कैंपेनिंग ना अलाउ किया जाए क्योंकि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा एज मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, और इसको लेकर उन्होंने मेमोरेंडम दिया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव आयोग डेट्स को लेकर अनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पहले उनको कोविड-19 के चलते गाइडलाइंस निकालनी थी, तो आज वो गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कि किस तरीके का खाका तैयार हो रहा है। ये जो गाइडलाइंस महामारी की वजह से इशू की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दिस इज़ बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब ये क्या है इन गाइडलाइंस में, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन वो ये है कि जो कोरोना से संक्रमित जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। जो लीडर्स हैं, जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जो लोग पार्टी जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके अगर नॉमिनेशन की बात कहें तो उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा वर्चुअल और फिजिकल कैंपेनिंग दोनों का एक मिक्स मोड की बात सामने आ रही है कि वर्चुअल कैंपेनिंग भी थोड़ी थोड़ी अलाउ की जाएगी और फिजिकल कैंपेनिंग भी अलाउ की जाएगी। अब ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये देखना होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो अगर फिजिकल कैंपेनिंग आप अलाउ करेंगे तो उसमें साइज़ ऑफ द वेन्यू यानी कि जहाँ पर रैली की जाएगी उसकी साइज़ को देखते हुए वहाँ पर कितने लोग होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स किस तरह से होने चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। अगला जो पॉइंट है इन गाइडलाइंस में जो सामने आ रहा है वो ये है कि जब कैंडिडेट पॉलिटिकल कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएगा तो अभी तक आपने देखा था कि बहुत गाजे बाजे के साथ सारे कंटेस्टेंट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाते थे, लेकिन महामारी के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि कंटेस्टेंट्स के साथ सिर्फ 2 मेंबर्स ही अलाउड होंगे और वो फिर अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। नॉमिनेशन पेपर अक्सर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जाता था, अपनी स्ट्रेंथ को लीडर्स दिखाया करते थे, तो अब ऐसा कुछ भी शायद नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका प्रावधान किया गया है। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। अब आपको बता दें कि महामारी के चलते एक पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 1000 लोग ही वोट डालने जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारा इलेक्ट्रेट उसमें एडजस्ट नहीं होगा, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 34,000 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशंस बनाने का प्रावधान इसमें दिया है, जो कि करीब 45% या 50% लगभग ज़्यादा है नॉर्मल स्टैंडर्ड से। तो ये सारा जो गाइडलाइंस के चलते ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको बता दें कि इस समय बिहार में जो कोरोना संक्रमित केसेस हैं वो करीब 1.15 लाख केसेस हैं और 574 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें विपक्षी पार्टी जैसे तेजस्वी यादव कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि ऐसे में चुनाव नहीं होना चाहिए जब बाढ़ की जो पोजिशन है वो इतनी सीरियस है, उसके चलते लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के पास राहत की सामग्री नहीं पहुँची है, कोरोना के चलते इतनी महामारी है, तो इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए,
आगे बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव ने एक नहीं कई बार बोला है कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि क्या आप महामारी के चलते अपनी चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। तो ऐसे में जो गाइडलाइन सामने आई है अब इनका किस तरह से पालन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अब इलेक्शन होगा उसमें विपक्षी पार्टीज के लिए कितना बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, क्योंकि ये जो सारी बातें आ रही हैं कि वर्चुअल और फिजिकल का मिक्स होगा, रैलीज किस तरह से होंगी। अब आपको बिहार बता दें कि जो बिहार में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो करीब सिर्फ 34% जनसंख्या के पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, यानी कि स्मार्टफोन्स सिर्फ 34% जनसंख्या के पास है। तो ऐसे में जो वर्चुअल रैलीज हैं वो कितनी सक्सेसफुल होंगी, जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं वो अपने पैसे के दमखम पे और मसल पावर के चलते वो स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा लोगों को दे सकती हैं, बांट सकती हैं, लेकिन विपक्षी पार्टीज का क्या होगा। तो ऐसे में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगा, चुनाव आयोग कितना न्याय सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर पाएगा इस महामारी के चलते, ये देखना होगा। लेकिन एक बात जो और सामने आ रही है कि अगर ये मॉडल बिहार इलेक्शंस का सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो बाकी राज्यों में जहां पर चुनाव अभी शेड्यूल्ड है, अगर महामारी कंटिन्यू करती है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है, तो इसी मॉडल के आधार पर ही बाकी राज्यों में भी चुनाव होगा। तो इन सब पे आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के एग्ज़ाम्स को लेकर। आपको ध्यान दिला दें कि कल कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करेगी जिसके चलते लोगों को गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसी के नंबर के आधार पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाया करेंगी। तो अब आपको बता दें कि इसमें आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो कि NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नंबर पर आधारित होकर मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको जॉब्स देगा, पहला राज्य वो बना है। लेकिन आज ये बात समझने की है, अगर एग्जैक्टली आपको शिवराज चौहान का अगर मैं ट्वीट आपको बताऊं, उन्होंने लिखा है कि इट्स अ फर्स्ट स्टेट टू टेक दिस अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन ऑफ गिविंग गवर्नमेंट जॉब्स टू यूथ्स, अदर स्टेट्स कैन एम्यूलेट एंड गिव रिलीफ टू देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो लेकिन अब समझने की बात यह है कि अभी तो उन्होंने दो दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उनका राज्य सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही जॉब्स देगा, अब ऐसे में उन्होंने NRA का भी फायदा उठाया है और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए इतना बड़ा कदम में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो कि ये आगे से आगे कदम उठा रहा है। लेकिन आज समझने की ज़रूरत यह है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। अब आपको बता दें कि अभी तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते थे जैसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, रेलवे रिक्रूट बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, उधर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के एग्जाम्स होते थे। तो अलग अलग एग्जाम्स लोग अलग अलग जगह पर देने जाते थे और उसका अलग अलग एग्जाम होता था। तो अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है, कल प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात को कहा कि अब ईज ऑफ रिक्रूटमेंट होगा यानी कि रिक्रूटमेंट करने में आसानी होगी, स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट सेविंग होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी फायदा होगा। तो ये एक बड़ा कदम ज़रूर है और जो पहले पुरानी पद्धति से ये एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसको चेंज करने की भी बात कही गई है, एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसमें चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पर इन एग्ज़ाम्स का पेनिट्रेशन नहीं हुआ था। तो पहला सवाल ये है कि अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा, तो इन एरियाज़ में जो अनपेनिट्रेटेड एरियाज़ थे वहाँ पर सरकार कैसे पहुँचेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे इसको लेकर फैलाएगी। दूसरी ये चीज़ है कि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और ऑनलाइन में डिजिटल पेनिट्रेशन अभी कितना अपने देश में अभी बहुत ज़्यादा एरियाज़ में नहीं है। ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई छोटे बस्ती हैं जहां पर अभी डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर वहां नहीं हुआ है तो वहां पर इन चीज़ों को कैसे सुनियोजित किया जाएगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उन्हें प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ, बैंक्स के साथ, पीएसयूज के साथ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, इन सारी एजेंसीज के साथ शेयर किया जाएगा। तो ऐसे में अब पूरा प्रावधान ये कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि इन पूरी सारी चीज़ों को सुनियोजित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, मैन पावर कहाँ से आएगी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटा होगा जो सारे राज्यों में जाएगा, सारे राज्यों को उस डेटा को फिल्टर करके और तब लोगों को जॉब्स देनी पड़ेगी। अब आपको बता दें कि जॉब्स का जो सिनारियो है वो बहुत ख़राब है। 2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, अपनी नौकरियां खोई हैं पिछले अगर 4 महीने का अगर आंकड़ा उठा के देख लें तो ये एक सराहनीय कदम है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको बता दें कि अभी सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स के लिए किया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS जिसकी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद सारी और जो एजेंसीज हैं जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये शुरू किया जाएगा। तो ये जो पहले 3 एग्ज़ाम्स जो होल्ड किए जाएंगे वो एक टेम्पलेट होगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या चुनौतियाँ हैं और क्या वाकई में हम उन लोगों तक जा सकते हैं जिन तक अभी तक ये जिन एरिया से लोग ये एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते थे। तो आउटरीच का एक बड़ा मसला है। दूसरा जो डिजिटल पेनिट्रेशन की मैंने आपको बात कही कि जिन एरियाज़ में डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है वहाँ पर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कितना सक्सेसफुल होगा और कैसे, और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे क्या वाकई में लोगों को जॉब्स मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि जी हाँ, वो जॉब्स अपने स्टेट की भी जो बेटी बेटियाँ हैं उनको वो जॉब्स देंगे। तो देखना ये है कि अब कथनी और करनी में कितना फ़र्क होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर कश्मीर से आ रहे एक वीडियो के आधार पर है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बारामूला के क्रीरी इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था जहां पर 3 आतंकवादियों को ढेर किया था और उसमें 5 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। अब एक वीडियो मिलिटेंट्स ने, यानी कि आतंकियों ने एक मिलिटेंट एक वीडियो फुटेज आज वायरल किया है और उसमें वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो पुलिस वालों को, सुरक्षाकर्मियों को ये मिलिटेंट्स मारा है और किस तरीके से उनको एम्बुश करने की कोशिश किया है एक सेब के बागान में। अब ये जो वीडियो सामने आ रहा है ये बताया जा रहा है कि एक पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट है जो कि एक नई आउटफिट है लश्कर ए तोयबा की, उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। आपको ध्यान दिला दें कि कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले तक आप देखते थे कि जो कश्मीर के जो लड़के थे, यंग वहाँ के जो युवक थे वो एकदम से गायब हो जाते थे। जो हम देखते थे पहले, एक जो पैटर्न नज़र आता था कि एकदम से गायब हो जाते थे, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपने गन्स और बंदूकों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे और उसके बाद मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेते थे। इस तरीके का एक पैटर्न नज़र आया था, लेकिन इस वीडियो को रिलीज़ करने के बाद ऐसा लगता है कि अब वो इंटरनेट को किसी और लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया। यानी कि जब सुरक्षाकर्मियों को उन्होंने ढेर किया तो कोई ना कोई उनमें से एक वीडियो फुटेज भी साथ में बना रहा था और वीडियो फुटेज अब उन्होंने वायरल किया है। और लेकिन जिसको लेकर आज पुलिस ने कहा है कि ये महिमा मंडन किया जा रहा है आतंकवादियों का, ये गलत है। और ये देखना है कि पुलिस कह रही है कि उनकी एक तरीके से जीत है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें कि उन्होंने कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें कि जिन आतंकवादियों को कश्मीर पुलिस ने ढेर किया है उसका नाम भी है, जैसे सज्जाद हैदर, FT तैमूर खान, अबू उस्मान, इन सारे आतंकियों का नाम आ रहा है जिसको कश्मीर पुलिस ने ढेर किया है। तो इस वायरल से जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसमें कि पुलिस का ये कहना है कि ये मिलिटेंसी को ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी घटनाओं को महिमामंडन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब 4G नेटवर्क जब वहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है तो ऐसे में इस नेटवर्क का क्या बेजा इस्तेमाल हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि वहाँ के जो नवयुवक हैं अगर ऐसे फुटेज देखते हैं तो जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि क्या नवयुवक आज, क्या हालात कश्मीर में ऐसे हैं कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसको लेकर सरकार कैसे इन चीज़ों पर रोक लगाएगी ये देखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि 4G नेटवर्क रिस्टोर होने के बाद वहाँ पर इसका बेजा इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर भी पुलिस को और सुरक्षाकर्मियों को काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब वहाँ पर मनोज सिन्हा इस समय LG हैं, उनको देखना है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ कैसे जाती हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पहला ऐसा वीडियो है 2013 के बाद, 2013 में इस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ था और अब इसके बाद अब आज एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कब बताया जा रहा है कि GoPro कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है वो इन मिलिटेंट्स ने उसको एम्प्लॉय किया है और उसके ज़रिए इस फुटेज को उन्होंने वायरल किया है। तो वायरल वीडियो एक मसला नहीं है, लेकिन
4G नेटवर्क किस तरीके से इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, हो सकता है कि पुलिस अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे 4G नेटवर्क को वहाँ पर रिस्टोर किया गया है, तो ये देखना है कि उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो वहाँ के नवयुवक हैं, क्या सरकार उन्हें इतने ऑप्शंस दे पाएगी कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन ना करें, उनका रेडिकलाइजेशन ना हो, क्योंकि जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें कमी नहीं आई है और अभी भी लगातार ऐसे बहुत नवयुवक हैं जो कि रेडिकलाइज किए जा रहे हैं मिलिटेंट आउटफिट से, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर बड़ी दुखद सी है और वो है तेलंगाना के श्रीसैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देर रात कल आग लगी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 लोग मर चुके हैं। और आपको बता दें उसमें से 3 वहां के असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं और अब जो वहां के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक CID की इंक्वायरी बैठाई है। उन्होंने कहा है कि ये आग वहां उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे लगी है, इस पर छानबीन होनी चाहिए। और आपको बता दें कि 30 एम्प्लॉयज़ वहां पर, तेलंगाना स्टेट जेनको के 30 एम्प्लॉयज़ वहां अंदर थे जिस समय ये आग लगी है, और बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किटिंग हुई थी जिसके वजह से ये आग लगी। लेकिन अब वहां पे जो एक्चुअल पोजीशन है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से कैसे लग सकती है। अब आपको बता दें कि जो ये पावर हाउस था, ये एक नलमला जो जंगल है वहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया गया है। इस रिजर्वायर में बहुत सारा पानी था और ये रिजर्वायर कृष्णा रिवर पर यानी कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि ये दोनों राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच इस रिजर्वायर को बनाया गया है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। तो ऐसे में बरसात का टाइम है, बहुत ज़्यादा रिवर इनफ्लो था, तो जो वॉल्स थी उसको गिरा दिया गया था, जिस तरीके का डैम का पानी छोड़ दिया गया था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर ना बने। लेकिन क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आग लगी, ये सारी छानबीन की ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार में और तेलंगाना सरकार में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, तो ऐसे में कॉन्स्पिरेसी एंगल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल बहुत दुखद घटना है कि किस तरह से 9 लोग वहाँ पर ट्रैप थे और 9 के 9 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। लेकिन पावर प्लांट में आग लगना एक कोई बहुत मामूली बात नहीं है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है और जैसा मैंने आपको बताया कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट था आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का, तो अब CID की इंक्वायरी इसमें बिठाई गई है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, अब इस पर इंक्वायरी जब होगी और आगे की जब रिपोर्ट्स आएंगी इसमें पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं उनकी सेफ्टी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वहाँ के पावर स्टेशंस को मेंटेन किया जाता है, उसकी सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कोई कोताही नहीं हुई वहाँ के एम्प्लॉय से, या किस तरीके की वहाँ पे कंडीशंस थी कि इस तरीके से वहाँ पर आग लग गई। तो मेंटेनेंस, सुरक्षा, कॉन्स्पिरेसी, ये तीनों चीज़ें इस समय सामने आ रही हैं। अब क्या CID इंक्वायरी में ये बातों का खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर हमारा इंतजार रहेगा। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @Neelu317। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।